पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ईवीएम पर आप लगातार सवाल उठाते हैं, न सिर्फ सवाल उठाते हैं बल्कि आपने तो डेमो करके भी दिखाया है। एलन मस्क ने भी अब इसे लेकर अपनी बात रखी। देखिए, बात यह है कि सारी बात उस पर आकर आ जाती है कि भाई कौन जीता कौन हारा, मुझे उससे कोई वो नहीं है। लेकिन ये मेरा अधिकार है कि मुझे यदि शक है कि इस पे मैनिपुलेशन हो सकता है, और अब तो एलन मस्क जो कि आज आईटी इंडस्ट्री के में तो सरताज हैं, आज वो कह रहे हैं कि भाई इसमें तो मैनिपुलेशन हो सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने के बाद तो और आसानी से हो सकता है। तो अब तो समझना चाहिए माननीय हमारे न्यायपालिका को, हमारे माननीय चुनाव आयोग को। जहाँ तक राजनीतिज्ञों का सवाल है, इसमें तो कुछ पक्ष में भी है कुछ विपक्ष में भी है, लेकिन आम जनता का प्रश्न है। मेरा ये जन अधिकार है, मैं जिसे चाहूँ उससे वोट डालूँ और जिससे वोट डालूँ मेरे हाथ में आए और उसको मैं जाकर बैलेट बॉक्स में डालूँ और 100% गिनती हो। मैं अभी काउंटिंग में बैठा था और आखिर में जो 5 मशीनों की गिनती उनके वीवीपैट स्लिप के साथ होती है, उतना ही टाइम लगा जितना कि ईवीएम में लगता है। तो ये जो कहना चुनाव आयोग का कि बहुत समय लगेगा साहब, बिल्कुल गलत है। 2013 तक चुनाव बैलेट पेपर, मतलब 2003 तक बैलेट पेपर चुनाव होते थे, 2003 तक बैलेट पेपर चुनाव होते थे, समय पे हो जाते थे। 2003 के बाद ईवीएम मशीन आई है, 98 का चुनाव हो, उसके पहले के चुनाव हो, सुबह चालू होता था, रात तक फैसले आ जाते थे। तो ये बिल्कुल गलत है, और ये धारणा कि इसमें बहुत समय लगेगा बिल्कुल गलत है। ज़्यादा समय लगेगा तो आप 14 टेबल लगाते हो, 20 लगाते हो, 50 लगा दीजिए, समय कम हो जाएगा। क्योंकि सर सीटें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भी 99 आई है। मैं इस बात को मैं जाते नहीं किनको कौन जीता कौन हारा, मैं तो कहता हूँ मेरा अधिकार है कि मेरे हाथ में मत पत्र आना चाहिए मेरा, ताकि मैं उसको देखकर और बैलेट बॉक्स में डालूं। तो इसे आगे किस तरह से आप इसको लेकर लड़ाई लड़ेंगे सर, आप और कांग्रेस पार्टी? तो पार्टियों से इंडिया अलायंस के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं इतना आपको कह देता हूं कि मैनिपुलेशन किसी भी मशीन पर संभव है यदि उसमें चिप है। ठीक है, एक सवाल सर, अगर आप मध्य प्रदेश में क्या कारण रहे सर? चलिए, दिग्विजय सिंह जी हमसे बातचीत कर रहे थे और लगातार वो ईवीएम को लेकर सवाल उठाते आए हैं, अब भी अपनी बात पर कायम है और ये बात भी कह रहे हैं कि एलन मस्क जो कि आईटी के कहें कि सरताज हैं, अगर वो भी ईवीएम को लेकर कह रहे हैं कि ये सुरक्षित नहीं है, तो उसके बाद कम से कम अब विचार करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।